सीसीटीवी की ये तस्वीरें गुरुग्राम के एक स्वीट शॉप की हैं, जहां कायदे कानून का मजाक बनाकर एक बदमाश सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए ही दुकान में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। नीली टी शर्ट और हेलमेट पहनकर अग्रवाल स्वीट्स में दनदना कर फायरिंग करने की ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर गुरुग्राम में गुंडे बदमाशों के किस तरह पौ पारा है। ये वाकया साइबर सिटी गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा इलाके का है। ये जगह अतुल कटारिया चौक से कापसहेड़ा वाले व्यस्ततम रास्ते में पड़ता है। रात करीब 10 बजे बदमाश अग्रवाल स्वीट में हेलमेट लगाए दाखिल होते हैं और दुकान के कर्मचारियों से 50,000 रुपए हर महीने रंगदारी मांगने लगते हैं। अब जाहिर है किसी भी दुकान का कर्मचारी ऐसी बेतुकी मांग पर कैसे राजी हो सकता है। ऐसे में जब बदमाशों को न सुनना पड़ता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और उनमें से एक नीली टी शर्ट वाला ये बदमाश सीधे दुकान में फायरिंग शुरू कर देता है। वो एक एक कर बेखौफ अंदाज में 4 राउंड फायरिंग करता है, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगभग 10:20 पर एक जो दुकानदार है उस पर एक व्यक्ति आया और उसने वहां पर फायरिंग की, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन उद्योग विहार में IPC के सेक्शन 307, 384 और आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मोगा है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। फिलहाल पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बना दी है, लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उससे साफ है कि उनमें कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है।